हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि तेलीवाल। नाम सुना ही नहीं होगा आपने। मुझे बनना था हीरो और मैं चला गया डायरेक्टर के पास ऑडिशन देने। ऑडिशन चल रहा था, काफी लोग आए तो स्टेप बाय स्टेप सबका ऑडिशन होना था। और डायरेक्टर साहब ने पहले आदमी को बोला कि दो ऑडिशन। पहला आया और राजकुमार साहब की नकल करने लगा। अरे जाने, हम वो बारूद हैं, जैसे हो गए तो जल जाओगे। और डायरेक्टर साहब बोले, अरे जाने, तुम्हारे पीछे से बारूद लीक हो रहा है, अगर उसे रोका ना तो तुम पीछे से जल जाओगे। और उसके बाद आया दूसरा आदमी, तो वो करने लगा शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज, अपने टैलेंट का जवाब। खामोश। डायरेक्टर बोले, अरे ये हमने सुना है, कोई और सुनाओ। जली को जली, बुझी को राख कहते हैं। डायरेक्टर बोला, जो तुमसे आ रही है बार बार उसे गंदी बात कहते हैं। उसके बाद आया तीसरा आदमी, वो निकालने लगा सनी देओल की आवाज। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ रही है जैसा। डायरेक्टर बोले, अरे बेवकूफ, शुक्र कर, तारीख पे तारीख पड़ रही है, अगर सजा हो जाती तो वो तेरी ले लेते। अरे क्या जान, शुक्र कर तुझे सजा नहीं हुई, नहीं तो बनता फिरता जेल में सनी देओल। भाग गया। दोस्तों, उसके बाद आया चौथा आदमी, तो वो सुनाने लगा डायरेक्टर साहब को। तुम्हारे पिताजी भी यही चाहते थे, तो तुम मेरे दिन बहुत बड़े डायरेक्टर हो। अगर ऐसे ही चाहता रहूं, याद रखो वो दिन दूर नहीं। डायरेक्टर साहब ने कहा, चलो बातचीत तो चलती रही, तो तुम बताओ तुम्हारा डायलॉग क्या। डायरेक्टर साहब, यही मेरा डायलॉग है। यह तुम्हारा डायलॉग है। दोस्तों, उसके बाद आया पांच पांच। डायरेक्टर साहब ने कहा, सुनाओ अपना डायलॉग। उन्होंने सुनाया अमिताभ बच्चन का, रिश्ते पर तुम्हारे बाप हैं, नाम है शहंशाह। डायरेक्टर साहब ने कहा, ये तो सुना है, कोई और सुना। खुश तो बहुत होगे तुम। है डायरेक्टर साहब ने कहा, हाँ मैं तो खुश हूँ भाई, तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल ले। उसके बाद आई मेरी बारी। डायरेक्टर साहब ने कहा, सुना अपना डायलॉग। मैंने कहा, अंकल जी मुझसे नहीं होती है एक्टिंग, मैं तो चला।